गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि लगभग हर एग्जाम्स में आएंगे। और फ्रेंड देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसके साथ में एमसीक्यूज करेंगे और प्लस उसकी डिटेल्स भी देखेंगे। मैंने एक वीडियो डाल दी है इस सीरीज़ की, 2019 के करंट अफेयर की। और ये दो है, ये जो आप देख रहे हैं वो सेकेंड पार्ट है। पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, जिससे क्या है, पहले जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आएगा। इसके बाद में ये वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो की जो लिंक है प्रीवियस वीडियो की, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और उनको पढ़िएगा। तो देखिए, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर आता है, उन सभी की वीडियोस आपको अनअकैडमी और ऑनलाइन फ्री स्टडी पे मिल जाएंगी। अनअकैडमी की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से आकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एशियाई शेर संरक्षण परियोजना संचालित की जाएगी, क्या की जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, कौन सी परियोजना है, एशियाई शेर संरक्षण की जो परियोजना है वो संचालित की जाएगी किस राज्य के द्वारा, बताना है। ओके, राजस्थान, गुजरात, मतलब किस जगह पर की जाएगी बताना है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, क्वेश्चन पढ़िए। और फ्रेंड्स, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं तो इन क्वेश्चंस को भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो इसका आंसर होगा गुजरात, ठीक है। 11 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार के सहयोग से कुल 97.85 करोड़ रुपए की लागत से एशियाई शेर संरक्षण परियोजना का शुभारम्भ या प्रारंभ करने की घोषणा की। इस परियोजना के तहत गुजरात के गिर क्षेत्र, कहाँ पर, गुजरात के गिर क्षेत्र के संरक्षण क्षेत्र में जीपीएस आधारित, क्या है, जीपीएस आधारित प्रश्न और वाहन ट्रैकिंग सुविधा को संचालित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक पशु चिकित्सा स्थान जिसको शेर एम्बुलेंस, क्या है, शेर एम्बुलेंस और टीके के बैकअप स्टॉक, क्या, टीके के बैकअप स्टॉक की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं। ये जो परियोजना एक्चुअल में कहाँ पर होगी, गुजरात के गिर क्षेत्र में होगी, गिर क्षेत्र में, ठीक है। और ये कब लॉन्च की गई, 11 फरवरी 2019 को, ठीक है। कितने एकड़ में है, 97.85, ठीक है। नाम क्या है परियोजना का, एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, ठीक है। इसमें एक क्या होगी, एक्स्ट्रा एक शेर एम्बुलेंस होगी और बैकअप टीके के लिए एक बैकअप स्टॉक भी रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन किस मंत्रालय के अधीन सेवारत है, किस मंत्रालय के अधीन सेवारत है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन टू केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन थ्री केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए, इसको पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, वैसे इसका वाणिज्य विभाग जो है, केंद्रीय वाणिज्य विभाग वो इसका आंसर है, ठीक है। या फिर देखें तो देखिए, इसको पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि ये आंसर है यहाँ पर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर देखिए क्या है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी कि IBEF ब्रांड इंडिया बनने के लिए एक निवेश संवर्धन एजेंसी के रूप में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है, क्या एक ट्रस्ट है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना 1996 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित, क्या वित्त पोषित स्वरूप में की गई थी। IBEF का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया लेवल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा देना और भारतीय उत्पादों और सेवाओं के प्रसार को सुविधाजनक बनाना है, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, वाणिज्य विभाग। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में सियामी फाइटिंग फिश, क्या है, सियामी फाइटिंग फिश को उनके राष्ट्रीय जलीय जानवर घोषित किया गया है, तो कौन सा देश है, इसने राष्ट्रीय
जलीय जानवर घोषित किया है किसको? सियामी फाइटिंग फिश को। थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया या पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा थाईलैंड। 7 फरवरी 2019 को थाईलैंड सरकार ने सियामी फाइटिंग फिश को अपने राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में रखने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। सियामी लड़ मछली क्या है, या फिर फाइटिंग होती है, फाइटिंग मछली, मछली को आमतौर पर बेटा, क्या बेटा के रूप में जाना जाता है। बेटा एक नाम है के नाम में जाना जाता है। यह एक्वेरियम व्यापार में एक लोकप्रिय मछली है। सियामी फाइटिंग फिश कंबोडिया, वियतनाम के मेकांग बेसिन और ज़्यादातर थाईलैंड में चाओ फ्राया नदी, क्या है, चाओ फ्राया नदी में पाई जाती है। हमें देखिए, हमें यह भी देखना चाहिए, वर्ष 2013 में थाईलैंड संस्कृत मंत्रालय द्वारा सियामी फाइटिंग फिश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में पंजीकृत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th इंपॉर्टेंट है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित GSAT-31 किस प्रकार का उपग्रह है, कैसा उपग्रह है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, नेविगेशन है, संचार उपग्रह है, या भूस्तरीय उपग्रह है? तो फ्रेंड बताइएगा किस प्रकार का ये ग्रह है, एक्चुअल में टाइप क्या है इसका। तो देखिए इसका टाइप है, देखिए एक संचार उपग्रह है कहने के लिए, दूर संचार जो होते हैं संचार उपग्रह होते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं इसके बारे में और भी। 6 फरवरी 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फ्रेंच गुयाना, क्या है, फ्रेंच गुयाना से अपने 40वें संचार उपग्रह, क्या है, संचार उपग्रह है। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3, GSAT-31 का सफल परीक्षण किया। यह उपग्रह बेरी स्मॉल, क्या है, बेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल यानी कि बीसेट नेटवर्क टेलीविजन अपलिंक या डिजिटल उपग्रह, समाचार सभा, DTH टेलीविजन सेवा, सेल्यूलर बैकहॉल और कनेक्टिविटी और ऐसे कई अनुपयोग के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसका और भी चीज़ों में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि संचार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चिकापड़ा सलगी क्या है, नाम थोड़ा अलग सा है, बहुत अजीब सा नाम है, बैराज का संबंध किस दक्षिण भारत राज्य से है? तो दक्षिण भारत राज्य से कौन से बताना है, तमिलनाडु, तमिलनाडु से है, कर्नाटक से है, आंध्र प्रदेश से है, या केरल से है? तो फ्रेंड बताइएगा क्या आंसर है। और फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो कुछ लोग बोले थे बहुत बड़ी वीडियो बना दी क्योंकि इसमें 10 से 12 क्वेश्चन ही आपने बताए। तो फ्रेंड देखिए, जब डिस्कशन करते हैं तो क्वेश्चन जो है बड़ा हो जाता है। देखिए मैं आपको सिर्फ MCQs नहीं बता रहा हूँ, उसके अलावा उसकी डिटेल भी बता रहा हूँ। तो देखिए बैराज बालकोट क्या है, बालाकोट तमिलनाडु है, तमिलनाडु इसका आंसर है, तमिलनाडु में कृष्ण नदी पर बना हुआ है। ठीक है, क्या बना, ये बना हुआ है, ये 430 मीटर लंबा बांध है, इसका नाम है चिकापड़ा सलगी बैराज। ठीक है, एक बांध है जो 430 मीटर लंबा है। ठीक है, इस बांध का निर्माण स्वयं किसानों ने अपने योगदान राशि और श्रमदान द्वारा किया था। वर्तमान समय में इस बांध द्वारा 21 गांव की तकरीबन 70,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की जाती है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में यह बैराज बालकोट और विजयपुरा जिले को पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। ओके, तो ये कहाँ पर बना हुआ है, कृष्ण नदी पर है, कहाँ पर है, बालाकोट में है, बालाकोट तमिलनाडु में। ठीक है, नाम इसका थोड़ा अजीब सा है, बैराज करके आप नाम याद कर लीजिएगा जिससे आप ध्यान रखेंगे। कितना लंबा है, 430 मीटर लंबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहराज्य सरकार जिसके द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य जलीय प्राणी घोषित किया गया, सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य प्राणी घोषित किया गया, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश? तो फ्रेंड बताइएगा क्या आंसर है। तो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है तो आंसर होगा पंजाब। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। 4 फरवरी 2019 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक दुर्लभ स्तनपायी यानी कि सिंधु नदी डॉल्फिन हम जिसे बोलते हैं, केवल ब्यास नदी में पाई जाती है,
को पंजाब राज्य जलीय पशु या प्राणी घोषित किया है। इसके अतिरिक्त पंजाब के मुख्यमंत्री ने श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पूर्व के ऐतिहासिक उत्सव को चिन्हित करने के लिए कंजली बेटलैंड और पवित्र काली वेन नदी को वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित करने की क्या की है, मंजूरी दे दी है। ओके तो फ्रेंड ये जो डिटेल है वो पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और आप बोलते हैं कि करंट अफेयर ऐसा आया ही नहीं था। ठीक है, तो करंट अफेयर यही है और इसमें से पढ़िएगा और इसमें से अलग कोई नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सीबीआई निदेशक पद के चयन हेतु उत्तरदायी है कौन है? आपको बताना, ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 नेता प्रतिपक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिएगा यहाँ पर है, पहले पढ़िए इसको। देखिए सीबीआई भारत के अग्रणी खोजी पुलिस एजेंसी है, ठीक है ओके, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो है 1946 के तहत शक्तियाँ प्रदान करती है। हमें ध्यान देना है कि सीबीआई के निदेशक पद के चयन केंद्र सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया? 2003 के तहत किया। संबंधित अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की संयुक्त समिति सीबीआई निदेशक का चयन करती हैं। ओके तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो दोनों सही हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री और भारत के न्याय मुख्य न्यायाधीश और नेता जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो, ठीक है दोनों करते हैं। 2 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला को दो साल के निश्चित कार्यकाल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का मुख्य नियुक्त किया है। ठीक है, किसको किया है? ऋषि कुमार शुक्ला को, ठीक है, 2 साल के लिए किया है। ओके किसका? सीबीआई का, यानी कि जो सीबीआई होता है क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यहाँ केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक को स्थापित किया जाएगा या किया गया है? तो क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या नई दिल्ली। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या नई दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा गुजरात। पढ़ेंगे इसको क्या लिखा है और ये इम्पॉर्टेंट है। 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के निवासी जिले में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह सत्याग्रह स्मारक 1930 में दांडी मार्च की भावना और ऊर्जा को प्रकट करने के लिए करने का कार्य करेगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि यह स्मारक सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्टेड है जिसे आईटी मुंबई के उच्च स्तरीय दांडी मेमोरियल कमिटी द्वारा डिजाइन किया गया है। ओके क्वेश्चन नंबर 9 और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाइएगा। क्वेश्चन हमें नंबर 9, वह देश जिसके द्वारा बॉल चेन तकनीकी आधारित, इसका नाम है एवर, क्या नाम है? एवर डिजिटल मुद्रा जारी की जाएगी। अब देखिए बॉल चेन तकनीकी आधारित पर एक मुद्रा है जिसका नाम है एवर, ठीक है, क्या? एवर डिजिटल मुद्रा। तो ये किसके द्वारा की जाएगी, कौन सा देश है बताना है? ऑप्शन है यूएई और सऊदी अरब, ठीक है। क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी सीरिया और मिस्र, ऑप्शन नंबर सी तुर्की और जॉर्जिया, या ऑप्शन डी यमन और सऊदी अरब। तो फ्रेंड बताइएगा क्या आंसर है, और ये जो कितनी कंट्रियां आपको दिख रही हैं, ठीक है, उनमें से एक आंसर ऐसा है जो आपको, आई थिंक ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये 101% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आंसर रहेगा यूएई और सऊदी अरब। 31 जनवरी 2019 को यूएई और सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक द्वारा बॉल चेन तकनीकी आधारित, इसका नाम है एवर, क्या नाम है? एवर डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की है। एवर दोनों देशों के केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण प्रणालियों के लिए एक अतिरिक्त साधन स्थापित करेगा और बैंकों को वित्तीय
प्रेषण संचालित करने में एक दूसरे के साथ सीधे व्यवहार करने में सक्षम रहेगा या करेगा। ठीक है, तो एक येवर करके एक डिजिटल मुद्रा है जो किसके किन दोनों के बीच में लेन देन होगा, ये होगा यूएई और सऊदी अरब के बीच में। ठीक है, एक तरीके का वॉल चैन है, इसको कहते हैं ब्लॉक चैन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा स्वच्छ भारत यात्रा 2018 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। देखिए हमारा आंसर रहेगा तमिलनाडु। 30 जनवरी 2019 को तमिलनाडु को स्वच्छ भारत यात्रा एक अखिल भारतीय साइक्लोटोन में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। इसके उद्देश्य स्वस्थ जीवन के लिए सही खाने की अवधारणा को बढ़ावा देना है। स्वच्छ भारत यात्रा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो रहेगी, आई थिंक आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, और क्वेश्चन जो रहेंगे इंपॉर्टेंट है सारे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।